आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस हीलिंग जर्नी में अपने मील को किस चीज़ से रिप्लेस करके उसे एक औषधि के समान ले सकते हैं, जिससे आपकी ये हीलिंग जर्नी और भी ज़्यादा इजी और फास्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारे मील्स जो मैं अपने खाने में इंक्लूड करती हूँ और जिससे मेरी हीलिंग जर्नी इतनी फास्ट और इतनी स्मूथ हो गई। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पर्सन का जिसका आर ए फैक्टर बढ़कर 200 हो गया हो, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस चीज से सफर करने वाला पर्सन ये जानता है इसमें कितना ज्यादा पेन होता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हीलिंग जर्नी का सबसे मेन पार्ट, यानी कि डेली मील। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने डेली मील में क्या चीजें शामिल करती हूँ जिससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग जनरली दो चीजों पर डिपेंड है, पहला है चावल और दूसरा गेहूं, और गेहूं को भी हम प्रोसेस्ड फॉर्म में यानी कि मैदे के रूप में खाते हैं। उसी तरीके से राइस की बात करें तो राइस को भी हम अनपॉलिश्ड ना खा करके पॉलिश्ड राइस खाते हैं, और ग्लूटेन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हीलिंग जर्नी में सबसे बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि जो ग्लूटेन होता है वो आपके जॉइंट्स पेन और इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हीलिंग जर्नी में आपको राइस और वीट को अवॉइड करना होता है, और वीट में भी भरपूर मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है, इसीलिए आपको वीट की रोटियां ना खा करके मोटे अनाज की ओर स्विच करना है। जी हाँ दोस्तों, आज से 70 से 80 साल अगर पीछे आप जा करके अपनी दादी या नानी से पूछेंगे कि उस समय पर वो लोग मेनली क्या खाते थे, तो वो आपको बताएंगे कि वो लोग मोटा अनाज खाते थे। क्योंकि जैसे कि मेरी दादी मेरी मम्मी को बताया करती थी कि पहले खेतों में हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, काकुन, इस तरह की चीज़ें होती थी, और जो आज मिलेट आज इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, जैसे कि खादर वली साहब को मिलेट मैन के नाम से जाना जाता है, और आज मिलेट इतना प्रचलन में भी आया है और 2023 को मिलेट ईयर के रूप में भी मनाया गया है, जिसके बाद से आप देख रहे होंगे 2024 से भारत सरकार मोटे अनाज का वितरण कर रही है, यानी कि सरकार ये चाहती है कि हम फिर से मोटे अनाज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। और जो ये मिलेट्स होते हैं, इन्हें पहले एक तरह की ग्रास कहा जाता था, इनको जब आप बनाते हैं तो ये एज अ राइस काम करते हैं और आप इनकी हर तरीके की डिश बना सकते हैं। तो डिश कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी डिश बनती है, इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वो मिलेट्स जो मैं अपने डाइट में इंक्लूड करती हूँ, और आज आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने स्पेशली उन मिलेट्स को मंगाया है, क्योंकि मेरे पास जो मिलेट्स थे वो मैंने सारे डब्बे में पैक करके रखे हैं, और आपको जब मैं ऐसे करके हथेली पर दिखाती तो आपको सारे सिमिलर ही दिखते हैं, इसीलिए मैंने अलग से मंगाया ताकि आप उनकी पहचान कर पाएँ और ये जान पाएँ कि कौन से मिलेट्स को क्या बोलते हैं और वो दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉक्सटेल मिलेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है ऑरेंज कलर के पैकेट में है, ये है फॉक्सटेल मिलेट, जिसे काकुन या फिर कंगनी भी कहते हैं। सो आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं ये है नेचुरली ग्लूटेन फ्री। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मिलेट्स आते हैं ना, ये सारे नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, और ये 500 ग्राम का पैकेट है यानी हाफ केजी का, जिससे आपको मिलता है 12 ग्राम प्लांट बेस्ड प्रोटीन और 7 ग्राम फाइबर, और ये जनरली आपको जो मेन ग्रोसरी स्टोर होते हैं वहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ से जब मैंने इसको अभी तक ले रही थी तो वहाँ पर ये मुझे छिले हुए नहीं मिलते थे, यानी इस पर 3 लेयर की जो है वो कवरिंग होती है। और मम्मी मेरी बताती हैं कि जब पहले इसको हम लोग मतलब छीलते थे तो जिसे ओखली नहीं होता, जिसमें इस तरीके से मूसर मार मार करके इनको हल्का सा वेट करके मूसर से इसको छीला जाता था, यानी 2-3 बार का इसका प्रोसेस होता था, तब जाके इसके जो 3 छिलके होते हैं, 3 लेयर पे होते हैं, वो जा करके निकलते हैं। लेकिन जब आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर हो सकता है आपके यहाँ जो मिलते हों वो छिले हुए मिलते हों, तो वो एज अ राइस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोटीन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और सबसे मेन बात क्या होती है, जब आप राइस या फिर वीट लेते हैं तो जैसे ही आप खाते हैं और उसके बाद जो शुगर पेशेंट है वो अपना शुगर लेवल जब चेक करते हैं तो एकदम से उनका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वीट आपके पेट में जाता है वो एकदम से जो ग्लूकोज लेवल है वो आपकी बॉडी का इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब आप मिलेट्स लेना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इनको जब खा ले उसके बाद अपना जो ब्लड टेस्ट है करते हैं, मतलब कि शुगर टेस्ट करते हैं,
तो उसमें आप देखेंगे आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नहीं बढ़ा होगा, यानी धीरे धीरे करके आपके पेट में ये डाइजेस्ट होना शुरू करते हैं और धीमी मात्रा में ग्लूकोज को आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं, जिससे आपका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। इसीलिए शुगर पेशेंट को मेनली नेचुरोपैथी में बताया जाता है कि आपको मिलेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। उसी तरीके से रूमेटाइड अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे लोगों को भी मिलेट्स मेनली अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए बताया जाता है। जो श्री धान्या मिलेट जिनको बोलते हैं मेनली, उसमें 5 मिलेट आते हैं। पहला आता है फॉक्सटेल मिलेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और दूसरा आता है तो ये है बर्नयार्ड मिलेट जिसे सनवा भी बोलते हैं, और ये भी नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है। 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है इसमें और 6 ग्राम फाइबर मिलता है। ये देखने में हल्के से वाइट कलर के सीड्स होते हैं, छोटे छोटे काकुन की तरीके ही होते हैं, लेकिन इनका कलर थोड़ा सा उससे फेयर यानी कि वाइट होता है। यानी कि अगर कोई शुगर पेशेंट इनको लेना शुरू करता है तो वो देखेगा कि मात्र 21 से 30 दिनों के भीतर ही उसका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं प्रूफ के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि जब नेचुरोपैथी में पर्सन इन चीज़ों को इंक्लूड करता है अपने डाइट में, तो वो देखता है कि विदाउट मेडिसिन वो अपने शुगर लेवल को खाने से ही कंट्रोल कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक डिजीज़ को खाने से ठीक किया जा सकता है। जब कैंसर जैसी चीज़ों को नेचुरोपैथी में खाने के थ्रू ठीक किया जा सकता है, तो ये तो उसके सामने काफ़ी छोटी चीज़ें हैं। सो इन चीज़ों को हम साइड करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिलेट की ओर। नेक्स्ट नंबर पर आता है कोदो। जी हाँ दोस्तों, कोदो मिलेट जिसे हिंदी में कोदो या कोदरा भी बोलते हैं, ये भी नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है, और इसको जब आप वॉश करते हैं तो ये हल्का सा रेड कलर, मतलब पानी में आपको हल्का सा रेडनेस दिख सकती है। तो ये इसका नेचुरल कलर होता है, क्योंकि मिलेट्स आपको जब भी लेने हैं तो अनपॉलिश्ड मिलेट लेने हैं, और किसी भी तरह के पॉलिश्ड या फिर प्रोसेस्ड मिलेट आपको नहीं लेने। ये सारे ही ऑर्गेनिक और अनपॉलिश्ड मिलेट हैं जो मैंने मंगवाए हैं। आप चाहें तो इन मिलेट्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये छोटे पैकेट्स ही मंगाएं और खा करके इनका टेस्ट लें और देखें कि इनसे आपको कितना फ़ायदा मिलता है। जो आपको रोटी खाने के बाद अगली सुबह जो स्टिफनेस और दर्द बढ़ जाता था, जब आप मिलेट्स लेंगे तो वो दर्द आपका इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ दोस्तों, जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर अर्थराइटिस हीलिंग जर्नी के दौरान अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, वो लोग भी मिलेट अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि मिलेट आपकी वेट लॉस जर्नी में सबसे मेन रोल प्ले करता है। आप अगर इस डाइट को प्रॉपरली फॉलो करना शुरू कर देते तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा, और आप देखेंगे कि एक महीने में ही आपका काफ़ी हद तक वेट मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि इन मिलेट्स को लेने के बाद आप एक्स्ट्रा एनर्जेटिक फील करते हैं, बॉडी बहुत हल्का फील करती है, क्योंकि ये मिलेट्स खाने के बाद आपको बार बार भूख नहीं लगती। ये मिलेट्स बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, धीरे धीरे आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और इनको खाने के बाद आप देखते हैं कि आपका जो एक्सेस अमाउंट में जो पेन बढ़ जाता था, जॉइंट्स पर इन्फ्लामेशन होती थी, स्वेलिंग आती थी, उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। सो लिटिल मिलेट जिसे कुटकी भी बोलते हैं, और ये भी देखने में समथिंग बर्नयार्ड मिलेट की तरीके, हल्का से वाइट से छोटे छोटे से ही सीड्स होते हैं दिखते हैं, और ये भी नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं। 8 ग्राम प्लांट पे प्रोटीन आपको मिल जाता है और 8 ग्राम ही आपको इसमें फाइबर मिल जाता है। ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। ये आपके सॉफ्ट ऑर्गन जैसे कि लीवर, किडनी, बड़ी आंत और छोटी आंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके जो गुड माइक्रोम बैक्टीरिया होते हैं उनको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरीके आपकी बॉडी में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मौजूद जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपकी बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और आपकी गट हेल्थ की इनर लाइनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मिलेट्स को आप अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। मिलेट्स आपकी हीलिंग जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आप अपने खाने को नहीं बदलेंगे तो आपको इससे हील होने में
काफी ज्यादा समय लगेगा और कितना समय लगेगा ये भी नहीं तय है। सो दोस्तों, लास्ट जो मैंने वीडियोस अपने चैनल पर शेयर किए थे उस पर काफी सारे लोगों के डाउट्स आते रहते हैं, आपने कितने दिनों में इसको हील कर लिया और कितना समय आपको लगा इसको हील करने में, दवा ली कि नहीं ली, अभी आपकी हालत कैसी है। सो दोस्तों, अभी जो भी मेरी हालत है वो आपके सामने है, मैं प्रॉपरली फिट हूँ और चाहती हूँ कि आप भी जो दवाओं के चक्करों में पड़ करके अपने जो इंटरनली ऑर्गन ख़राब कर रहे हैं उनको प्लीज़ बचा लीजिए, क्योंकि आज आप एक चीज़ को हील नहीं कर रहे हैं आपको दवा के साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ेंगे। क्योंकि ये चीज़ आप कुछ लोग तो इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, जो लोग लंबे समय से दवा खा रहे हैं कि उनको डाइजेशन, किडनी, लीवर, इस तरह के बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए आप अगर नेचुरोपैथी से अपने आप को ठीक करते हैं तो इससे आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी पाते, क्योंकि आपका जो गट हेल्थ है वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाती है, आपके जो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको नहीं झेलने पड़ते हैं क्योंकि आप किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो इससे आपकी जो फ्यूचर लाइफ है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है और आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी पाते हैं। सो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस डिज़ीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं। बाकी अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्टर का नंबर भी दिया था, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप मेरे बताए हुए हर एक स्टेप को फॉलो करके आप अपनी डिजीज़ को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। सो मिलेट्स की डिश कैसे प्रिपेयर करनी है और फर्स्ट टाइम आपको मिलेट्स कैसे कंज्यूम करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपके साथ मैं शेयर करूंगी इन सारी चीज़ों के वो सारी डिशेस जो मैं बना करके खाती हूं और इनसे बहुत मज़ा आता है। इससे आप डोसा, इडली, उपमा, चावल, पोहा, हर एक डिश प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका एक यूनिक टेस्ट आता है, जो कि चावल और गेहूं खा खा कर तो हम ऊब गए थे, लेकिन ये चार पांच तरह के जो श्री धान्या मिलेट्स होते हैं इनके हम स्पेशल डिशेस बना पाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी टेस्टी डिशेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि सेहत है तभी सारा धन है, क्योंकि कहते हैं ना स्वास्थ्य ही परम धन है। अगर इस धन को आपने नहीं बचाया तो कमाया हुआ धन तो डॉक्टर के पास जाने ही वाला है। तो इसी के साथ रहिए खुश और रखिए अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल। नमस्कार।